मछुआरा और भूत। केशवपुर नाम के एक गांव में छोटू नाम का एक मछुआरा रहा करता था। वो मछलियां पकड़ के जिया करता था। एक दिन जब वो मछलियां पकड़ रहा था, उसे एक बोतल मिला। छोटू ने कहा, ये क्या, ये तो बोतल दिख रहा है, अंदर कुछ हिल भी रहा है। ये सोचकर उसने बोतल की ढक्कन खोली। बस उसमें से एक भूत निकल आया। भूत ने डरावनी तरीके से हंसा। उस भूत को देख के छोटू बहुत डर गया। उसने पूछा, कौन है तू, कहां से आया, इस बोतल में कैसे घुस गया? भूत ने जवाब दिया, मैं एक भूत हूँ। 100 साल पहले एक जादूगर ने मुझे इस बोतल में कैद किया। मैं इंतजार में था कोई मुझे छुड़ाए। तुमने आज मुझे आजाद किया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तब छोटू ने कहा, बहुत अच्छे, पर मैं बहुत डर रहा हूँ, अभी मैं चलता हूँ, ठीक है? वो वहाँ से जाने लगा। भूत ने कहा, रुको, तुम कहीं नहीं जा सकते। तुमने मुझे छुड़ाया तो बदले में कुछ तो करना पड़ेगा। पर मैं तुम्हारी सहायता करूं, मेरी भी एक शर्त है। तुम जो भी काम बोलोगे मैं करूंगा, पर एक काम खत्म होते ही तुरंत दूसरा काम बताना पड़ेगा। देर करोगे तो गुस्सा आएगा और मैं तुम्हें खा लूंगा। छोटू ने सोचा, मैं कहां फंस गया बाबा? भूत ने कहा, जल्दी बताओ क्या करना है, जल्दी जल्दी अभी बताओ। देर करोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, बताओ बताओ। छोटू ने कहा, बताता हूँ, मुझे डराओ मत। झील में से मछलियां निकाल के उस टोकरी में भरो। फिर भूत झील में कूद गया और एक टोकरी भर मछलियां लेके ऊपर आया। भूत ने पूछा, बोलो आगे क्या करना है, जल्दी बोलो वरना मरोगे, जल्दी बोलो क्या करना है मुझे? भूत चिल्लाने लगा। छोटू ने कहा, मुझे मेरे घर ले चलो, मुझे मेरी बीवी से बात करनी है। बस भूत छोटू को लेके उसके घर पहुंच गया। फिर छोटू ने अपनी बीवी से सारी घटना बताई और भूत, बता जल्दी बता वरना मैं तुझे खा लूंगा, जल्दी बता मेरे पास समय नहीं है, जल्दी बता, वो चिल्लाने लगा। छोटू ने कहा, हमें खाना चाहिए, खाना ला दो। उसी वक्त भूत ने अलग अलग पकवानों के साथ स्वादिष्ट खाना हाजिर किया। फिर भूत ने कहा, बता और क्या कर सकता हूँ, अभी बता वरना तू मरेगा, जल्दी बोल अभी बता, वो चिल्लाने लगा। तो छोटू ने कहा, मुझे खाना भी ठीक से खाने नहीं दोगे क्या? ठीक है, मेरे लिए बहुत सारा सोना और गहने ले आ। उसी वक्त भूत ने बहुत सारा सोना और गहने हाजिर कर दिया और फिर से बोला, जल्दी बोल और क्या करना है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं तुझे खा जाऊंगा, जल्दी बोल, वो चिल्लाया। ठीक है, मेरे लिए एक बहुत बड़ा बंगला बनवाओ और उसमें बहुत सारे नौकर चाकर चाहिए। उसी वक्त भूत ने एक बड़ा सा बंगला और बहुत सारे नौकर चाकर हाजिर कर दिए। बीवी ने कहा, ये क्या जी, जो मांगो तुरंत दे देता है, सोचने का वक्त भी नहीं देता। धन और बंगला तो मिल गया, अब क्या मांगोगे जरा सोचो। भूत ने कहा, बातों में वक्त जाया मत करो, जल्दी बोलो। पहले भी कई लोग मेरे हाथों से मर चुके हैं, इसीलिए मुझे बोतल में बंद किया था, जल्दी बोलो। छोटू ने कहा, मैं एक विषय के बारे में सोच रहा था, इसलिए तुम्हें तुरंत कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे थोड़ी देर सोचने दो। भूत ने पूछा, कौन सी विषय के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे बताओ, जल्दी बताओ। छोटू ने कहा, मैं सोच रहा था तुमने झूठ क्यों बोला। भूत ने कहा, मैंने कहा झूठ बोला, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, सारी सच्ची कहानी बताई तुमसे, मैंने कौन सा झूठ बोला, जल्दी बताओ। छोटू ने कहा, तुमने कहा कि तुम्हें बोतल में बंद किया था, तुम तो इतने बड़े हो, बोतल में बंद कैसे हो सकते हो, तो क्या तुमने मुझसे झूठ नहीं कहा? तब भूत ने कहा, मैंने सच कहा था, मुझे सचमुच बोतल में बंद किया था। मैं तो भूत हूँ, तुम्हारी तरह शरीर नहीं होती, जितनी मर्जी बड़ा बन सकता हूँ, जितनी मर्जी छोटा। उस मांत्रिक ने अपनी मंत्र शक्ति से मुझे बोतल में बंद किया था। छोटू ने कहा,
मैं नहीं मान सकता। तुम इतने बड़े हो इसलिए तुम्हें भूत कहते हैं। तुम अगर छोटे होते तो कोई तुमसे डरता क्या? मुझसे झूठ मत बोलना। भूत को गुस्सा आया। अरे मूर्ख, तुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुझसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। रुक, अभी तुझे दिखाता हूँ, अपनी आंखों से देखेगा तो मानेगा। ये कहकर भूत वापस उस बोतल के अंदर घुस गया। छोटू ने तुरंत उसकी ढक्कन बंद कर दी और ले जाके बोतल को पानी में फेंक दिया। तो बच्चों, संकट के समय हमें धैर्य से सोचना होता है, इससे संकट टल जाता है, समझे?